नमस्कार साथियों, तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। गुकेश ने रचा इतिहास, विश्व खिताब के सबसे युवा चैलेंजर बने हैं। और 17 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट, विश्वनाथ आनंद के बाद एक टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। गुकेश ने गैरी कास्पारोव का 40 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा है। विश्व चैंपियनशिप के लिए चीन के डिंग लेरेन से होगा मुकाबला। आर प्रगणानंद 5वें स्थान पर है और 12 वर्ष की आयु में ग्रैंड मास्टर बने थे गुकेश। तो गुकेश ने 12 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर खिताब जीता था और वह शतरंज के इतिहास में तीसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने हांगजू एशियाई खेलों में रजत पदक भी जीता था। और आप देखेंगे 1984 में 22 वर्ष के थे, तब उन्होंने रूस के ही एनाटोली कारपोव को विश्व चैंपियन खिताब के लिए चुनौती दी थी। तो इनके बारे में याद रखिएगा। बाकी आप देख रहे हैं, देखिए हमारे देश में क्या है, चुनाव है लोकसभा के। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है, 543 सीटें देखने को मिलेंगी। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी, फिर घटाकर इसे 18 साल कर दिया गया था वोटर बनने की उम्र को, और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और ये चुनाव की देखभाल कौन करता है, कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो अधिकतर राजनीतिक खबरें देखने को मिल रही हैं, इसका आरोप उस पर, वो इस तरह का बयान दे रहा है, इसका पार्टी से, उसका पार्टी में जा रहे नेता, ये चलता रहेगा, ये आपके लिए जरूरी भी नहीं है। बंगाल में 25,753 कर्मियों की नौकरी रद्द, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश। 2016 की प्रक्रिया में शिक्षकों संघ ग्रुप सी व डी पर हुई थी भर्तियां, और स्कूली भर्ती घोटाला हुआ था ना, और जारी रहेगी सीबीआई जांच। ममता मंत्रिमंडल के खिलाफ भी जांच का निर्देश। समय सीमा के बाद नौकरी पाए लोगों को 12% ब्याज संग लौटाना होगा वेतन। 23 लाख परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश। ममता ने फैसले को बताया गलत, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी बंगाल सरकार। तो उसी को लेकर बातें हो रही, एक बार वेस्ट बंगाल देख लीजिए, क्योंकि यहां भी काफी घोटालों की बात होती रहती है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ए पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ममता बनर्जी हैं। सी बी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या, पश्चिम बंगाल। और देखिए सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है, और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। केजरीवाल की चिकित्सकों से सलाह लेने वाली संबंधी याचिका खारिज हुई है। आप नेता को एक और झटका, कोर्ट ने कहा कि निर्धारित आहार के विपरीत सौजन द्वारा आम मिठाई पूरे भेजना समझ से परे है। इंसुलिन के बारे में एम्स निर्देशक गठित किया, मेडिकल बोर्ड करेगा फैसला, ये आप देखेंगे। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है ना दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हीं की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल साहब की। आप लोगों ने देखा होगा बड़े तेजी से पार्टी बढ़ी है इनकी, आम आदमी पार्टी। 2012 में इसकी स्थापना हुई और राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। आप लोगों से एक सवाल है कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए कौन कौन सी शर्तों की जरूरत पड़ती है, उनका नाम आप लोग उनके बारे में नीचे लिखिएगा। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को गर्भपात की इजाजत,
सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता 14 वर्षीय नाबालिग को 28 हफ्ते का गर्भ नष्ट कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत यह अनुमति दी है जो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करने का अधिकार देता है। कोर्ट ने नाबालिग के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने की मेडिकल बोर्ड की राय को देखते हुए गर्भपात की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और याद देखिए, चुनाव परिणाम से पहले ही सूरत में खिलाफ पहला कलम। याद देखिए, सूरत से बीजेपी के उम्मीदवार हैं मुकेश दलाल, ये निर्विरोध चुने गए हैं, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कांग्रेस के थे तो उन्होंने, आप देखिए, उनका रद्द हो गया, और बाकी 8 थे तो उन्होंने वापसी ले लिया। भारत में बिकने वाले मसालों की जांच की जाएगी गुणवत्ता। FSSAI ने सभी ब्रांडों को मसालों के नमूने लेने को तैयार किए हैं। MDH एवरेस्ट मसालों की गुणवत्ता पर हांगकांग सिंगापुर ने जताई थी ना आशंका, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। घूमने फिरने संग आध्यात्मिक स्थलों की ओर बड़ा भारतीयों का रुझान। 2022 की तुलना में अयोध्या के बारे में जानकारी हासिल करने के मामले में 586% की वृद्धि हुई है। उज्जैन और बद्रीनाथ को लेकर की गई खोज में क्रमशः 359% और 343% की वृद्धि देखी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए, दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर शीर्ष 3 सबसे अधिक खोजे गए गंतव्य बने हुए हैं। 64% की वृद्धि हुई है पारिवारिक यात्रा की बुकिंग में 2023 में। 23% की वृद्धि दर्ज की गई एकल यात्रा की बुकिंग में इस दौरान। और ये आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो गया है, तो लोग जाएंगे वहां और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। ये हाईकोर्ट ने 75,000 का जुर्माना लगाकर खारिज की केजरीवाल से जुड़ी याचिका। किसी उच्च पद के आधार पर नहीं दी जा सकती असाधारण अंतरिम जमानत। और याचिकाकर्ता ने एक तरह से, आप देखिए, एक बात कही थी कि जब तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका है तब तक उन्हें अंतरिम एक तरह से क्या जमानत पर रिहा कर दिया जाए। DU समर इंटर्नशिप योजना के लिए 4 मई तक आवेदन का मौका है। दिल्ली में बड़ा प्रदूषण की निगरानी का दायित्व, 24 नई जगह चिन्हित की गई हैं। और दिल्ली में तो आप देखते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं। 1957 के आम चुनाव में अधिकतम 7 उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे। इसके बाद यह आंकड़ा किसी भी चुनाव में नहीं छुआ जा सका। 1951 और 1967 के चुनाव में 5-5 उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे। उम्मीदवार निर्विरोध जीते चुके हैं लोकसभा चुनाव में अभी तक। एक आप लोगों ने सुना होगा, सनब हम डूबे से डूबे आपको भी ले डूबे, इस तरह की कोई कहावत है ना। तो पूर्णिया में पप्पू की हार के लिए तेजस्वी को भाजपा की जीत भी स्वीकार है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव ना जीते, भली बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाना चाहिए। मैंने आप लोगों से उस दिन भी कहा था, आप लोग पूछ रहे थे कि कोई भी नेता, कोई भी बाप नहीं चाहता है कि उसके बेटे के कंपटीशन में कोई आए, और तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार या आप देखिए पप्पू यादव उनके कंपटीशन में खड़े हों। इसलिए आप देखें कि उन्होंने कन्हैया कुमार को ठिकाने लगा दिया, पप्पू यादव को भी ठिकाने लगा दिया। इस समय तो आप देखेंगे राजनीति की बातें ही मिलेंगी आपको, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी हो, आरोप प्रत्यारोप सब चलता रहता है। छब्बीस अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान सामान्य रहेगी गर्मी।
एएमयू की पहली महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर नईमा खातून, ये भी याद रखिएगा। वीरता बलिदान और साहस की राजधानी है सियाचिन, हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक से जुड़े मामले में राज्यपाल के कार्यालय से मांगा जवाब। इस सुप्रीम कोर्ट ने आप देखते हैं पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 की मंजूरी देने में निष्क्रियता का आरोप लगाने वाली याचिका पर सोमवार को जवाब मांगा। एक बात और आपको बता दूं, देखिए इस तरह के मामले कई राज्यों में देखे जाते हैं, खासकर तब देखे जाते हैं और अधिकतर बार तभी देखे जाते हैं जब राज्य में किसी और की सरकार होती है, केंद्र में किसी और की सरकार होती है, तो वहां आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनातनी चलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट का 3 साल के एलएलबी की मांग पर विचार करने से इनकार। मुख्य न्यायाधीश बोले 5 साल के एलएलबी में छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। कोर्ट का नकारात्मक रुख देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका ली वापस। ये वेंकैया नायडू मिथुन चक्रवर्ती समेत कई पद्म पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं और ये अभी मिले थे ना, उन्हीं की बात हो रही, वितरित किए जा रहे हैं। और इस सूची में आप देखिए 5 तो आपके पद्म विभूषण थे, 17 पद्म भूषण थे और 110 पद्म श्री पुरस्कार थे। और देखिए 1954 में शुरू किए गए थे और 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी ना राष्ट्रपति ने। एक बात आपको और बता दूं मैं, देखिए ये बात क्या है कि ये सब आप लोग कहेंगे कि नाम याद रख पाना बड़ा मुश्किल रहता है, तो हर किसी के लिए रखता है, तो आप लोग अपने राज्य का खासकर और जो चर्चा में खास से रहे उन लोगों के नाम जरूर याद रख लीजिएगा। वो उन्हें पुरस्कार जो दिया गया वो भी याद रखना है और किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके काम क्या रहे हैं वो भी। किसानों ने ट्रैक किए, बाधित पंजाब जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। ये अब देखेंगे, किसानों की अपनी मांगे हैं और उनकी ओर ध्यान भी कम दे रही हैं सरकारें। रक्षा संबंधों को और मजबूत करने फ्रांस यात्रा पर रवाना हुए CDS जनरल अनिल चौहान साहब। ताजमहल पर सुप्रीम कोर्ट ने ASI से मांगा जवाब। 2017 में शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर फ्यूचरिस्टिक प्लान का विजन डॉक्यूमेंट किया गया तैयार और यमुना की गाद की सफाई पर केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार आगरा विकास प्राधिकरण से भी जवाब दिया गया है। देखिए ताजमहल के बारे में बता देता हूं, ताजमहल आप लोग कहां देखते हैं, आगरा में देखते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं। क्राउन ऑफ द पैलेस भी कहते हैं, संगमरमर का बना हुआ है उत्तर प्रदेश में और ये 5वें मुगल सम्राट ने 1631 में, सम्राट किसने, शाहजहां ने बनवाया था ना, कहते हैं मुमताज महल की कब्र के लिए बनवाया गया था। चलिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। और अगर हम बात करें ASI की, तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। इस सौम्या के कातिलों को जमानत देने के खिलाफ अर्जी पर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एक कोर्ट ने दिल्ली सरकार और चारों दोषियों को भेजा नोटिस। दिवंगत महिला पत्रकार की मां की याचिका पर सुनवाई की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कि सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी ना, तो उसी की बात हो रही है। पूर्व IAS प्रदीप शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका पर सोमवार को गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। कच्छ जिले के कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मौद्रिक लाभ के लिए सरकारी भूमि के कथित अवैध आवंटन मामले में शर्मा ने जमानत याचिका दायर की है। आशीष मिश्रा का आयोजनों में हिस्सा लेना जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। लखीमपुरी खीरी में आप देखते हैं कि जो घटना हुई थी ना, और किसानों पर आप देखते हैं कि 4 किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। ये 2021 की घटना है 3 अक्टूबर की, तो उसी में चल रहा है। एक खरपतवार की समस्या सुगमता से हल करेगा कंप्यूटरीकृत
बीट डिटेक्टर आईआईटी रुड़की, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी व इंदौर की जीएसआईटीएस के विज्ञानियों का संयुक्त नवोन्मेष है। अच्छी बात है। सेंसेक्स 560 अंक उछला, निफ्टी 22,300 के पार। एशियाई यूरोपीय बाजारों में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, सीसीआर बाजारों में आई तेजी। और सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अब यूएएन होना जरूरी है। पेंशन स्कीम, अन्य सरकारी लाभ के लिए सभी सेक्टर के श्रमिकों पर लागू होगा नियम। और अभी असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल के माध्यम से यूएएन किया जा रहा है जारी। यानी कि देखिए, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की बात हो रही है। वाईजू रविंदन ने वेतन भुगतान के लिए कर्ज उठाया। ये आप देखते हैं कि एडटेक प्लेटफॉर्म है ना, इनके बुरे दिन चल रहे हैं। जोमेटो ने प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ाकर 5 रुपये किया। वीआई का ऐप पीओ 7 गुना सब्सक्राइबर हुआ है। वोडाफोन आइडिया की बात हो रही है। 185 एनएफओ के जरिए 66,364 करोड़ रुपये जुटाए। म्यूचुअल फंड का संचालन करने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों ने भारत के लिए 7% की वृद्धि को बनाए रखना, आप देखते हैं कि रख पाना संभव है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य शशांक भिड़े ने कहा है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जैसे बैंकों का बैंक भी आप कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 10 लाख करोड़ का कारोबार करने वाली पहली कंपनी बनी रिलायंस। और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में महिला प्रशिक्षकों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रविवार को रिकॉर्ड 4.71 लाख यात्रियों ने किया हवाई सफर। और बच्चों के कुपोषण के खिलाफ क्वेटर की पहली, आप देखेंगे ये बच्चों के में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए ऑट्स सेगमेंट के प्रतिष्ठित ब्रांड क्वेकर ने कुछ दिनों पहले वाउल ऑफ ग्रोथ के नाम से एक बड़ी पहल की है। यह पहल 3 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। पहला, 3 से 5 साल के बच्चों का पोषण करना, माता पिता को इस बारे में शिक्षित करना और समाज के बीच जागरूकता फैलाना एक तरह से। बिहार में रेरा सलाहकार दे रहे हैं आदेश। ट्रिब्यूनल लाचार, अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति न होने से नहीं हो पा रही कार्रवाई। पटना हाईकोर्ट के ने राज्य सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। ये आप देखिए, एथिलीन ऑक्साइड क्या है? और एथिलीन ऑक्साइड 10.7 सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर ज्वलनशील रंगहीन गैस होती है। कीटनाशक के तौर पर भी इसका प्रयोग होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज करने में किया जाता है। इसे जल जमाव या वाली मिट्टी, खाद और कीचड़ से भी पैदा किया जा सकता है। और एथिलीन ऑक्साइड से कैंसर का खतरा भी होता है। विश्व संगठन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को समूह 1 कार्सिनोजेन, कैंसर पैदा करने वाली के रूप में वर्गीकृत किया है। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और NCLT ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने चंद्रा एक्सेल समूह से जुड़ी कंपनी विवेक इंफ्राकॉन लिमिटेड को दिए गए कर्ज के गारंटर हैं। घटिया थे केक किंतु मिठास के लिए जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की गई थी सैकरीन। जानलेवा एक केक हुआ ना पटियाला में, जन्मदिन पर केक खाने से हुई थी 10 वर्षीय बच्ची की मौत, तो उसी को बात हो रही है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। एक खान यूनिस के अस्पताल में मिली 283 लोगों की खबर। इजराइल और आप देखते हैं कि हमास में चल ही रहा है। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी आपको देखने, देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें भारत ये है, यहाँ इजराइल देखने को मिलेगा। ये अदन की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर देखने को मिल जाएगा। 65,000 से ज्यादा अधिक भारतीयों ने 2022 में ली है अमेरिकी नागरिकता। और एआई मैक्सिको के बाद अमेरिकी नागरिकता ग्रहण करने वाली दूसरी सबसे बड़ी संख्या। कांग्रेस की रिपोर्ट, 33.3 करोड़ अमेरिकी जनसंख्या में लगभग 14% लोग विदेशी मूल के हैं। भारतीयों को अब मिल सकेगा लंबी वैधता वाला सेंगेन वीजा। यूरोपीय आयोग ने भारतीय नागरिकों के लिए बदले अपने नियम। 2 साल के लिए मिलेगा सेंगेन वीजा, 5 साल तक बढ़ सकेगा। आतंकवाद खत्म करने के लिए संयुक्त प्रयास पर ईरान पाक सहमत हुए। अब आप देखिए खुद आतंकवादी पैदा कर रहे हैं वो, उनका क्या मतलब है। पहली बार कुवैत रेडियो से हिंदी कार्यक्रम का प्रसारण हुआ है।
ईरानी राष्ट्रपति के दौरे से पहले अमेरिका नौसेना का अभ्यास आप देखेंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस की प्रस्तावित यात्रा को दो दिन पहले अमेरिकी नौसेना, यूएन मरीन कोर और श्रीलंकाई नौसेना ने सोमवार को द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास किया है। भारत में कैंसर परीक्षण की अगुवाई कर रही हैं डॉक्टर गीतिका। अमेरिका में भारतवंशी डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव कैंसर से संबंधित क्लिनिकल परीक्षण की अगुवाई कर रही हैं। विद्रोहियों से सीमांत शहर मुक्त कराने को म्यांमार सेना ने भारी बमबारी की है। देखिए म्यांमार में भी यहाँ चल रहा है, देखिए मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, चार राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। राष्ट्रपति जरदारी को मिली हुई है अभियोजन से प्रतिरक्षा, एनएवी कह रहा है, ये राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो कह रहा है। ट्रंप पर चुनाव में भ्रष्टाचार करने के मामले की सुनवाई हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति है ना, अभी फिर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, तो उन्हीं की बातें हो रही है। एक खेल की क्षेत्र की खबरें हैं, भावेश सिमरन पीठ ओलंपिक चैन ट्रायल में जीता है उन्होंने। भावेश शेखावत और सिमरन पीठ बराड ने पहले ओलंपिक ट्रायल में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल और महिलाओं को की 25 मीटर पिस्टल ओएसटी को दो जीत लिया है ना, उसी की बातें हो रही। इथोपियाई धावक वोंडे मेगेन पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। टोक्यो ओलंपिक की 3000 मीटर स्टीपल चैलेंज स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने वाले इथोपिया की धावक वोंडे मेगेन को 2 प्रतिबंधित पदार्थों के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद ही प्रतिबंध लगाया गया। सौरभ घोषाल ने पिछले वर्ष स्क्वैश से लिया संन्यास, भारतीय सबसे बेहतरीन स्क्वैश खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों को पसंद नहीं है इम्पैक्ट प्लेयर नियम, दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल बोले इस नियम से बल्लेबाजी क्रम प्रभावित हुआ है। डेविड वार्नर ने कहा कि ऑलराउंडर की भूमिका कम हुई इससे। एल क्लासिको ने मैं बिलिंगहम के गोल से जीता रियल मैड्रिड। बर्लिन में अंतिम बार लेवर कप में दिख सकते हैं राफेल नडाल, महान टेनिस खिलाड़ी है ना, उन्हीं की बात हो रही। प्रभु भक्ति में लीन बड़े हनुमान जी, देख लिया करिएगा अगर दिलचस्पी हुआ करे तो। भोजशाला में सर्वे की अवधि बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन, ये आप देखिए सर्वे चल रहा है ना मध्य प्रदेश के धार जिले में, और कहते हैं कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर इसे बनाया गया था, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। गंभीर अपराध के मुकदमे में देरी जमानत का आधार नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ये पहली बार अमेरिका में किया गया कृत्रिम त्वचा का प्रत्यारोपण, 1981 में आज ही पहली बार अमेरिका के अस्पताल में जले हुए रोगी पर कृत्रिम त्वचा का प्रत्यारोपण किया गया था, और इसे गाय की खाल, सार की हड्डी और प्लास्टिक के मिश्रण से तैयार किया गया था। इसे डॉक्टर योनिस वी यन्नास और एमआईटी के शोधकर्ताओं ने मिलकर विकसित किया था। यूट्यूब पर पहली बार 18 सेकंड का वीडियो किया गया अपलोड। 2005 में आज ही के दिन यूट्यूब पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था, और मी एट द जू शीर्षक से यूट्यूब के सह संस्थापक जावेद करीम ने चिड़ियाघर में अपनी यात्रा के वीडियो को अपलोड किया था। यह वीडियो 18 सेकंड का था, इसे लेकर लोगों में काफी उत्सुकता थी। इसे अब तक करोड़ों बार देखा जा चुका है। महिलाओं के उत्थान में पंडिता रमाबाई ने दिया योगदान। समाज सुधारक व शिक्षाविद पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में आज ही के दिन कर्नाटक में हुआ था। बचपन में ही पिता से संस्कृत सीखना शुरू की और 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्हें पंडिता की उपाधि दी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर महिला समाज एवं शारदा सदन जैसी कई संस्थाओं की स्थापना की। 1882 में ब्रिटिश भारत द्वारा गठित हंटर कमीशन के समक्ष उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षा का अधिकार देने की पेशकश की सिफारिश, और 5 अप्रैल 1922 को उनकी मृत्यु हो गई थी। जलवायु के लिए वोट करें। ब्रिटेन के हेबडेन ब्रिज में स्थानीय कलाकारों द्वारा खेत में बनाई गई विशाल आकार की एक कलाकृति, 50 मीटर की इस कलाकृति में पृथ्वी को गोद लेने के लिए हुए एक लड़की को दर्शाया गया है। 10 कलाकारों की टीम को इसे बनाने में 3 दिन लगे हैं। जलवायु के लिए वोट करें, हमारे भविष्य के लिए वोट करें। संदेश वाली यह कलाकृति पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में बनाई गई,
और इसका उद्देश्य पैटर्न में आगामी चुनाव में लोगों को जलवायु के विषय को ध्यान में रखकर मतदाता के लिए प्रोत्साहित करना। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं ना। और देखिए हमारे देश में तो आप देखते हैं कि ये मुद्दा कभी बनता ही नहीं है और नहीं बनता है उसका परिणाम भी हम लोग भुगत रहे हैं। तो जलवायु को मुद्दा तो बनाना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य इन पर भी मुद्दे बने। हमारे यहाँ देखिए हिंदू मुस्लिम जाति पाति की बात होती है ज्यादा। और इसने लगा खूबसूरत शुक्र ग्रह का वातावरण, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र में कार्बन के साथ ऑक्सीजन गैस रिसकर फैल रही अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष यान ने बुध पर ग्रह पर पहुंचने से पहले शुक्र के वातावरण के रिसाव की तस्वीर कैद की। इसरो इस ग्रह पर शुक्रयान भेजने की तैयारी कर रहा है। गैस रिसाव के कारण के बारे में अगले शोध में पता चलेगा। और देखिए कहाँ गायब हुआ है शुक्र का समुद्र, तो डॉक्टर शशि भूषण पांडे कहते हैं कि वैज्ञानिक मानते हैं कि सामान्य तौर पर शुक्र चट्टानी है। इसका आकार द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। शुक्र की सतह पर कभी पृथ्वी की तरह विशाल समुद्र हुआ करते थे जिसका पानी अब गायब हो चुका है। इसका पता लगाना एक बड़ी चुनौती है। खगोलविद शुक्र के वातावरण के बारे में प्रत्येक जानकारी जुटाना चाहते हैं। इस ग्रह की कई विशेषताएं पृथ्वी के समान हो सकती हैं। फ्रांस के विज्ञानी लीना हदीद के नेतृत्व में यह शोध फ्रांस में नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च द लेबोरेटरी ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स में किया गया। 12 अप्रैल को नेचर एस्ट्रोनॉमी में छपी है और संभव है कि शुक्र की जानकारी पृथ्वी के बेहतर भविष्य के लिए उपयोगी साबित होंगी। चलिए अच्छी बात है। इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बारे में याद रखिएगा। और ये आप देखिए अकेलेपन से अधिक होती है रात में चॉकलेट या मीठा खाने की इच्छा, ये तो आप लोग भी जानते होंगे अनुसंधान कह रहा है। और देश का पहला क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप केंद्र होगा एम्स में। वर्तमान इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लैब में अत्याधुनिक उपकरण लाकर किया जा रहा है अपग्रेड। चिकित्सा शोध को मिलेगा बढ़ावा और साथ ही कैंसर सहित कई बीमारियों का कारण पता लगाना होगा आसान। घर की छत पर गिरा अंतरिक्ष स्टेशन का कचरा, ए वॉसेंट अमेरिका की बात है। इमोवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और देखिए जो आपका पार्ट उसका है संपादकीय वाला एडिटोरियल वाला, उसे हम लोग अलग रखते हैं। उसमें कुछ और न्यूज़पेपर के जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं उन्हें भी मैं शामिल कर लेता हूं, तो वो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है, तो उसे भी एंजॉय किया करिएगा। अब आपका कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।